पार्ट 11 में हम देख चुके हैं, सारा मिस्टर ली को उसमें और दानदन में से किसी एक को चूज करने को कहती है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 12 से पहले पार्ट 11 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 12 में हम देखते हैं, सारा कहती है वो दानदन उन फ्रॉड्स की बेटी है। मिस्टर ली कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें फ्रॉड्स कहने की, अपनी लिमिट से बाहर मत जाओ। वो कहती है, मैं या दानदन? तो कहता है, तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा। वो कहती है, तुम मुझे कैसे फायर कर सकते हो? मिस्टर ली कहता है, मैं तुम्हें फायर नहीं कर रहा, तुम ही दानदन के साथ काम करने से मना कर रही हो। या तो तुम्हें दानदन के साथ काम करना होगा या रिजाइन करना होगा। सारा कहती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पैसों के लिए जॉब कर रही हूँ? मिस्टर ली कहता है, सॉरी बट मुझे नहीं ये पता था। तो तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, ये दानदन की वजह से नहीं है, मैं तुम्हें अपनी मर्जी से फायर कर रहा हूँ। मिस फेंग कहती है, इस पगलैट को कन्फेस करने की क्या सूरत थी, पर ये सारा को कैसे फायर कर सकता है, इसे भी बताती हूँ। अरे नहीं, मुझे रियोन की शादी तक वेट करना होगा, बस रियोन को शेयर्स मिल जाएं। सारा रो रही थी तो मिस फेंग उसी पे चिल्ला पड़ती है, तुझे मिस्टर ली को कन्फेस करने की क्या जरूरत थी, वैसे भी उस खड़ूस को लाइक करने में ऐसा क्या है, मैं तो रियोन की शादी होते यहाँ से खिसक जाऊंगी, तो तू भी खिसक ले। सारा जॉब छोड़ के जाने लगी थी। पास्ट में हम देखते हैं कि कंपनी के फर्स्ट डे से उसका मिस्टर ली पे क्रश था, पर मिस्टर ली ने किसी और से शादी कर ली। सारा के एक्स हस्बैंड ने उसे धोखा दिया, तो वो अपने बेबी को मिस्टर ली के घर के बाहर रख जाती है, और मिस्टर ली की वाइफ ने उस बेबी को अडॉप्ट कर लिया था, जिसका नाम सियोजंग है। फिर सारा मिस्टर ली के घर में काम करने आ गई थी, ताकि वो सियोजंग के क्लोज रह सके, और सियोजंग को खेलता देख सोचती है, हमेशा खुश रहना मेरे बच्चे, मैं वापस जरूर आऊंगी। मेरियम सोच रही थी कि जूनो हर जगह मुझे कैसे मिल सकता है, मुझे पता ही करना होगा क्या ये सच में वहाँ रहता है। बट गलती से सीजर से उसके कट लग गया था, तो जूनो उसकी हेल्प करने लगा था, वो मना कर देती है तो वो उसे बैंडेज दे जाता है। मेरियम जूनो का पीछा करती है, अरे वो तो सच में घर में चला गया। जूनो ऊपर से कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, क्या तुम स्टॉकर हो? तो मेरियम भाग जाती है। नानदन मिस्टर ली से पूछती है, क्या सारा मेरी वजह से फायर हुए? तो वो मना कर देता है। मामा रात में ड्राइवर की पार्ट टाइम जॉब करता है, और आज उसे सारा की कार ड्राइव करनी थी। वो बहुत दूर आके उससे कार रुकवा देती है, और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से पानी में डूबने जा रही थी। मामा उसे बचा लेता है कि मरने से कौन सा प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। वो रोती है और उस पर बेहोश हो जाती है, तो वो उसे उठाकर हॉस्पिटल छोड़ाता है, क्योंकि सारा की मॉम वहाँ आ गई थी, और वो फोन कर मिस वैंग पे चिल्ला पड़ती है कि तूने मेरी बेटी को घर से बाहर क्यों निकलने दिया। इधर ये सब एना की लॉन्च पार्टी पे फोटोज खिंचवा रहे थे। सियोजंग पूछता है, मेरे डैडी कहाँ हैं? तभी मिस्टर ली आ जाता है, और दानदन को हंसता देख उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। सियोजंग भाग गया, मिस्टर ली की गोद में चढ़ जाता है। एना की डिजाइन की गई ड्रेस पहन के मॉडल्स रैंप कर रही थी, तो बच्चे खुश होते हैं। बट मिस्टर ली दानदन को ही देखे जा रहा था, तो वो उसे मैसेज करती है, मुझे घूरना बंद करो वरना सियोजंग देख लेगा। वो कहता है, मैं कहां तुम्हें घूर रहा हूँ? तो वो हंस पड़ती है। फिर सब साथ में लंच करने आते हैं। सियोजंग कहता है, ऐसा लग रहा है आज मेरा बर्थडे है, हम सब फैमिली साथ में जो खा रहे हैं। मिस्टर ली कहता है, मैं आगे से कभी कभी अपनी फैमिली के साथ लंच किया करूंगा। सियोजंग कहता है, प्रॉमिस? तो वो प्रॉमिस कर देता है। फोटोग्राफर उनकी फैमिली फोटो खींचने को कहती है, बड़ी बेटी भी फ्रेम में आ जाए। बच्चे हंसने लगे थे कि वो दानदन को मिस्टर ली की बड़ी बेटी से बोल रही है। दानदन मना करती है। मिस्टर ली कहता है, वो मेरी बेटी नहीं है, मेरे बच्चों की ट्यूटर है, क्या मैं इतना बुढ़ा लगता हूँ? फोटोग्राफर कहती है, सॉरी मैं आगे कैमरा होने की वजह से सही से देख नहीं पाई, रियल में तो ये बिल्कुल भी आपकी बेटी नहीं लगती। सियोजंग कहता है, मिस दानदन तुम ही हमारे साथ फोटो खिंचवाओ ना। तो वो उन सबके साथ फोटो खिंचा लेती है। इधर रियोन वेडिंग ड्रेस टाई कर रही थी, तो फैंस उसे ब्यूटीफुल बोलता है, तुम तो हर ड्रेस में चमकती हो, चाहे कुछ भी पहन लो। वो दूसरी ड्रेस ट्राई करती है, पर फियांसे चला गया था। इनफैक्ट फियांसे की एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे बुला लिया था,
प्लीज ये शादी मत करो, बट वो मना कर देता है और यौन को झूठ बोल देता है कि मैं जरूरी काम के लिए बाहर आया हूँ। बारिश में उनका घर लीक हो रहा था। मॉम और ग्रैंडमा को पता चलता है कि मीसू ने अपना एक अपार्टमेंट अपनी फ्रेंड को फ्री में रहने के लिए दे रखा है, इसलिए मीसू सारा की मॉम को कुछ महीनों बाद अपार्टमेंट को खाली करने को बोल देती है। पर सारा की मॉम के पास नया घर ढूंढने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मिस वैंग अपने बेबीज को देख खुश हो रही थी, पर उसके पेट में दर्द होने लगता है तो वो तिजोरी खुली छोड़ के वॉशरूम भाग जाती है। सारा की मॉम जो उससे मिलने आई थी उसका सारा सोना और पैसे देख के हैरान, पर उसे आता देख बंद कर देती है और फिर उससे उधार पैसे मांगती है। मिस वैंग मना कर देती है कि मेरे पास तो चमन्ने भी नहीं है, इसलिए सारा की मॉम गुस्से में थी कि वो सरासर झूठ बोल रही है। एना को भीगता देख मिस्टर पार्क उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है, तो उसे याद आता है कि जब वो दोनों डेट कर रहे थे मिस्टर पार्क तब भी उसे बचाने के लिए खुद एक साइड से भीग जाता था, तो वो उसे चिपक जाती थी ताकि मिस्टर पार्क ना भीग जाए। इधर मिस्टर ली सर्च कर रहा था कि मैं जवान कैसे दिखूं, और कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ। दानन उसे मिलने का मैसेज करती है तो जल्दी जल्दी अपने बालों का स्टाइल बनाता है पर फिर बिगाड़ देता है। देखो बड़ी बेटी आ गई, वो कहती है सैड मत हो, मैंने थोड़ा मेकअप किया था ना इसलिए अपनी एज से ज्यादा जवान लग रही थी। वो कहता है जवान दिखना तो अच्छा है, पर जेनी तो मुझे खूसट बुड्ढा बोलती है। वो कहती है खूसट बुड्ढा, नहीं तो तुम तो बिल्कुल ओप्पा जैसे दिखते हो। वो खुश होकर पूछता है सच में, तो तुम्हें मुझे ओप्पा कहना चाहिए। दानदन पहले तो हिचकिचा रही थी बट फिर ओप्पा बोलकर बहुत खुश होती है। वो कहता है कहाँ भागी जा रही हो, ओपा तुम्हें आइसक्रीम दिलाएगा, और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर नहीं पकड़ पाता। कोई उन्हें साथ में न देख ले इसलिए दानदन उसे बाय करके चली जाती है, पर सारा ने देख लिया था तो वो उससे जाकर पूछती है तुम मुझे छोड़ के उस दानदन को लाइक क्यों करते हो, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, वो दानदन तो बस तुम्हारे पैसों के पीछे है। मिस्टर ली उसे बकवास बंद करके जाने को कहता है तो पूछती है एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुमने मुझे कभी रोमांटिक वे से देखा है। वो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, और जाने लगा था बट वो उसे पीछे से हक्कर लेती है, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ प्लीज मुझे एक चांस दे दो, पर मिस्टर ली उसे छुड़ा के चला जाता है। सारा रोती है पर मेट देख लेती है कि आखिर इन दोनों में चल क्या रहा है, कि मिस्टर ली ने सारा को डंप कर दिया। दानदन को इतनी रात में बाहर से आता देख एना पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहती है तुमको कैसे पता। एना कहती है तुम्हारा फेस देख के कोई भी पहचान सकता है। तो दानदन हंसते हुए भाग जाती है। एना सोचती है कौन है मेरी दानदन का बॉयफ्रेंड। मेड दानदन को वो सारा को फायर करने का कारण बताने वाली थी बट बच्चे उसे बैडमिंटन खेलने के लिए बुला के ले जाते हैं। दानदन जेनी और सीजन के साथ बैडमिंटन खेल रही थी तो सीजन दानदन को चेयर अप कर रहा था। एना देखती है कि दानदन सबके साथ कितना खुश है। मिस्टर ली दानदन को देखे जा रहा था। दानदन जीतती है तो सीजन खुश होता है क्योंकि वो दोनों एक ही टीम में हैं। एना नोटिस करती है कि मिस्टर ली दानदन को ऐसे क्यों देख रहा है। वो सब बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई थी तो सीजन बहुत खुश होता है और नाच पड़ता है। फिर एना मिस्टर ली के ऑफिस में उसे आकर पूछती है क्या तुम दानदन को लाइक करते हो। मिस्टर ली हिचकिचाते हुए मना कर देता है। एना कहती है मैं भी ना फालतू में ये सब सोच रही थी, तुम में और दानदन में कितना एज गैप है, पर तुम्हें भी अपने लिए वाइफ ढूंढ लेनी चाहिए। मिस्टर ली ने दानदन को बाहर मिलने बुलाया था तो वो कहती है क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो, बट वो बताता है कि एना ने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अभी हमारे रिलेशनशिप के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, सब लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, मैं तो सह सकता हूँ पर मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकता। वो कहती है सॉरी मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, पर मैं तुम्हारा वेट करूंगी, वैसे भी हमें सबको अनाउंस थोड़ी ना करना है कि हम रिलेशनशिप में हैं, बस हम दोनों की फीलिंग्स मैटर करती है, जब तक तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो हम सीक्रेटली डेटिंग करेंगे। वो थैंक यू करता है तो कहती है यानी हम अब सीक्रेट ऑफिस रिलेशनशिप में हैं क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ और तुम मेरे बॉस हो, अब तो बड़ा मजा आएगा। मॉम सारा से पैसे मांगती है ताकि वो घर चेंज कर सके बट सारा मॉम पे चिल्ला पड़ती है कि तुमने मेरे कमाए हुए सारे पैसे खर्च कर दिए, और ड्रिंक करने आती है। वहाँ एक कपल रोमांस कर रहा था तो सारा चिल्ला पड़ती है कि तुम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या, और उसकी उनसे लड़ाई होने लगी थी। मामा पहचान लेता है कि ये तो वही डूबने वाली लड़की है तो लड़ाई शांत कर सारा को पकड़ के ले जाता है। वो पूछती है क्या मैं बहुत बुरी हूँ कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मामा कहता है नहीं तो तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो,
एक लड़के के लिए खुद को टॉर्चर मत करो। दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं। सारा हंसती हंसती रोने लगी थी और फिर उसे पैसे देकर चली जाती है। मेरियम अपने बर्थडे पे अकेली बैठी खा रही थी तो जूनो उसके लिए छोटा सा केक लेके उसे हैप्पी बर्थडे बोल के चला जाता है। इसलिए वो काम करते हुए उसे देखे जा रही थी। उनका ट्रक फूड का बिजनेस बहुत घाटे में चल रहा था पर फिर भी वो बहुत मेहनत करते हैं। मिसू मिस्टर पार्क को अपने अपार्टमेंट में रहने का ऑफर देती है कि मैंने अपने फ्रेंड को जाने को बोल दिया, बट मिस्टर पार्क मना कर देता है कि ये तुम्हारी फ्रेंड के साथ गलत होगा। मिस्टर ली और दानदान डेट पर आए थे तो वो बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या करना चाहती हूँ। लेट नाइट में मूवी देखना चाहती हूँ और पहाड़ों पे जाना चाहती हूँ, कैंपिंग करना और पिकनिक पे भी जाना। मिस्टर ली का फ्रेंड उसे दानदान को मिस्टर ली की नीज समझ रहा था तो मिस्टर ली उसे सॉरी बोलता है कि मैं उसे नहीं बता पाया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो कहती है कोई बात नहीं। जब वो दोनों लिफ्ट में जा रहे थे तो फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड बातें कर रहे थे कि कोई भी बता सकता है, वो लड़की उसकी नीज नहीं लग रही, जरूर वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी, शर्म नहीं आती तीन बच्चों का बाप होकर जवान लड़की पटाता है, और वो लड़की भी जरूर पैसों के लिए उसके करीब हुई होगी। मिस्टर ली गुस्से से जाने वाला था बट दानदान रोक लेती है और फिर सोचती है लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मिस्टर ली जेंटलमैन है और मुझे मिस्टर ली को लाइक करने में कोई शर्म नहीं। मिस्टर ली लॉयर को बता देता है कि वो सीक्रेटली उस यंग लेडी को डेट कर रहा है पर लोग उनके एज गैप की वजह से उन्हें जज करते हैं। लॉयर कहता है लोगों की बातों पे ध्यान मत दे, सिर्फ अपने दिल की सुन। एक टल्ली आदमी एना के साथ जबरदस्ती करने लगा था तो मिस्टर पार्क उसे मारकर भगा देता है और एना को बचाता है। फिर वो एना की केयर कर रहा था, वो देखती है कि मिस्टर पार्क के हाथ में चोट लगी है तो पट्टी बांधने को कहती है बट मिस्टर पार्क मना करके चला जाता है तो वो उसका थैंक यू करने के लिए उसे स्कार्फ भिजवा देती है। रियोन की शादी का दिन आता है पर वो बिल्कुल खुश नहीं थी। फियांसे उसे ब्यूटीफुल बोलता है पर कोई फियांसे को मिलने बुला लेता है। जैनी सीजन सीजों को देख वो खुश होती है। सीजन कहता है आप तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। सीजन वाज लाइक टॉप की लग रही हो। और फिर उनके साथ फोटोज खिंचवाती है। दानदान उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करके बच्चों को ले जाती है तो रियोन फिर से सैड हो जाती है। तभी एक लड़की आती है और कहती है मैं तेरे फियांसे की गर्लफ्रेंड हूँ और उससे प्रेग्नेंट भी, तेरा फियांसे मेरे बच्चे का बाप है तो शादी तोड़ दे। रियोन पहले तो यकीन नहीं करती बट वो फियांसे की रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो बोल रहा था कि मैं रियोन से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ उसके शेयर्स के लिए उससे शादी कर रहा हूँ। गर्लफ्रेंड रोती हुई उसे बेबी के लिए शादी तोड़ने को बोल रही थी जो दानदान भी सुन लेती है। रियोन फ्लावर्स फेंक के भागती है। दानदान उसे रोकती है तो कहती है मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज दानदान मेरी भागने में हेल्प करो। दानदान कंफ्यूज थी और इसी के साथ पार्ट 12 का एंड हो जाता है। तो क्या दानदान रियोन की हेल्प करेगी? अगर हाँ तो मिस्टर ली और मिस वैंग का इस पे क्या रिएक्शन होगा, और अगर नहीं तो बेचारे रियोन का क्या होगा? ये जानने के लिए आपको पार्ट 13 देखना होगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।